डिवाइन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ में फ्रैक्शन का पार्ट टू। फ्रैक्शन पहले वाले पार्ट में हमने कुछ भिन्न के या कुछ नॉर्मल क्वेश्चन बता दिए थे फ्रैक्शन के आपको, जैसे बार कैसे सॉल्व करते ये हमने बता दिया था, और उसके बाद बता दिया था सतत भिन्न या वितत भिन्न को कैसे सॉल्व करते, उसके कुछ क्वेश्चन हमने आपको बताए हुए थे और हमने ये बोला हुआ था उस तरह के क्वेश्चन आप लोग लगाए होंगे ज़रूर। तो उससे आगे के देखो हम कुछ क्वेश्चन आपको बताते हैं। फिलहाल जिसने पहली वीडियो नहीं देखी वो पहली देखकर दूसरी को देखेगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिलहाल आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ कैसे क्वेश्चन होते हैं जो फ्रैक्शन के आगे, जो हमने पहले पढ़ाया वो उसके आगे का बताएंगे आपको। तो आपके सामने सीधा क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि 4 की पावर 5 प्लस 4 की पावर 5 प्लस 4 की पावर 5 बटे 3 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 5 इंटू में फिर लिखा है 6 की पावर 5, और फिर ये इंटू नहीं होना चाहिए, ये भी प्लस होना चाहिए, यहाँ पे भी प्लस का निशान लगा दो। लिखा 6 की पावर 5 और प्लस 6 की पावर 5 प्लस 6 की पावर 5 प्लस 6 की पावर 5 और बटे में लिखा 2 की पावर 5 2 की पावर 5 इक्वल करके लिखा 2 की पावर n। तो आपको n का मान बताना है। n का मान कैसे निकालोगे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कैसे करोगे देखो, देते 4 की पावर 5 ही लिखा, 4 की पावर 5 ही लिखा, 4 की पावर 5 ही लिखा, तो इसको ऐसे लिख देते हैं 3 × 4 की पावर 5। 3 कहाँ से आया नहीं समझ में आया, तो देखो इधर जैसे आपके सामने लिखा हुआ है 10 + 10 + 10 + 3। देखो 1, 2, 3, 4 बार 3 लिखा है। अगर आप इसको जोड़ोगे तो 3, 3 × 6, 3 × 9, 3 × 12 आएगा। तो या तो आप इन सबको जोड़कर ऐसे 12 लिख दो बराबर में 12, या तो गिन लो कि 1, 2, 3, 4 बार 3 लिखा है। इसका मतलब कितनी बार लिखा, 4 बार 3 लिखा, तो 4 को सीधा कितने से गुणा कर दिया, 3 से गुणा कर दिया। 1, 2, 3, 4 4 बार 3 लिखा है तो 4 को 3 से गुणा कर दिया, तब भी कितना आ रहा है 3 × 12। उसी तरीके से 4 की पावर 5 प्लस 4 की पावर 5 प्लस 4 की पावर 5 3 बार ऐड करना, तो हमने सीधा 3 × 4 की पावर 5 लिख दिया है। और यहाँ पर भी देखो 3 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 5 दो बार, तो आप क्या लिख सकते हो 2 × 3 की पावर 5 ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद इंटू का निशान लगा लेंगे 6 की पावर 5 1, 2, 3, 4 बार लिखा हुआ है, तो आप इसको क्या लिख देंगे 4 × 6 की पावर 5 और बटे में क्या लिख देंगे 1, 2, 3 3 × 2 की पावर 5 और इक्वल करके लिख देंगे कितना 2n लिख देंगे, है ना। अब देखो इसके आगे सॉल्व करोगे कैसे, इस वाले 3 को ऐसे ही लिखा रहने दो 3 × अब इस वाले 4 को पता क्या कर दो 2 की पावर 2 लिख दो, क्योंकि 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, तो 4 को लिख दो 2 की पावर 2 और फिर इसकी पावर लिख दो कितना 5 और बटे में लिखा रहने दो 2 × 3 की पावर 5 इसको ऐसे ही लिखा रहने दो। इंटू का निशान लगा के आगे सॉल्व करोगे 4 × 6 अच्छा इस 4 को पता क्या लिख दूँ, इस 4 को लिख दो 2 की पावर 2 और इस 6 को क्या लिख दें 6 को लिख दो 2 × 3 2 × 3 और ब्रैकेट बंद करके इसके ऊपर पावर लिख दो 5 और बटे में कितना लिख दो 3 × 2 की पावर 5 और बराबर में लिख दो 2 की पावर n। सही है। अब देखो ऐसा करते पावर के ऊपर पावर, तो इसको गुणा करा लेते हैं और ये जो ब्रैकेट के ऊपर पावर लगा तो ये पावर दोनों के ऊपर आ जाएगा, क्योंकि जैसे देखो अगर आपके सामने लिखा a इंटू बी की पावर n तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो a की पावर n इंटू बी की पावर n, तो हम इस वाले पावर को दोनों पे कर लेंगे, है ना। तो देखो इसके आगे सॉल्व करोगे तो लिखोगे 3 और गुणे में लिख दोगे कितना 2 की पावर 5 दूना कितना 10 बटे में ये लिखा रहने दो 2 × 3 की पावर 5 इंटू का निशान लगा लो, ये 2 की पावर 2 लिख दो, इसको लिख दो 2 की पावर 5 का ऊपर लगा लो इसके ऊपर और फिर इस पर भी लगा दो 3 की पावर 5 और बटे में लिखा रहने दो 3 × 2 की पावर 5 और बराबर लिख दो 2 की पावर n। अब देखो 2 की पावर 5 से ये वाले 2 की पावर 5 काट दो, इस वाले 3 से ये वाला 3 काट दो और 3 की पावर 5 से ये वाला 3 की पावर 5 काट दो, इस वाले 2 से इस वाली पावर को काट दो, क्योंकि ये 2 की पावर 2 का मतलब कि 2 × 2 दो बार लिखा, नीचे एक बार, तो एक बार कट जाएगा, तो केवल एक बार 2 बचेगा, इसका मतलब यहाँ 1 बचेगा। तो देखो यहाँ नीचे तो कुछ बचा ही नहीं, यहाँ भी कट गया, यहाँ भी कट गया, केवल बचा क्या 2 की पावर 10 इंटू में बचा 2 की पावर 1
और आपको ये भी पता हो, जैसे आपके सामने लिखा हो a की पावर n इंटू ए की पावर b, तो आप क्या लिख सकते हो, a और पावर में लिख सकते हो n प्लस बी, यानी गुणा में घाते जुड़ जाते हैं जब दोनों के बेस बराबर होते हैं। तो आप इसको क्या लिख दो, दो लिख दो, और ये 10 और एक मिला के कितना लिख दो, 11, बराबर लिख दो 2 की पावर n, बेस बराबर है, कैंसिल कर दो तो n की वैल्यू कितना आ जाएगी, 11। और हमसे क्या पूछा हुआ था, यही पूछा हुआ था कि n का मान कितना आएगा, तो n का मान कितना आ जाएगा, n का मान 11 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बोर्ड पर लिखा आपके सामने दूसरा लिखा हुआ है 999 सही 1/7 प्लस 999 सही 2/7 फिर प्लस 999 सही 3/7 फिर 4/7 फिर 5/7 फिर 6/7। इसको आपस में सिर्फ जोड़ना है, सिर्फ जोड़ना है। इसको देखकर अगर आप देखिए, अगर आपको ये पता हो, जैसे लिखा हुआ 2 सही 1/2, इसको सरल करोगे तो क्या करोगे, 2 × 2 = 4 = 1, 5 5/2 करोगे। उसी तरह जैसे आपके सामने लिखा हुआ 3 सही 1/3, तो इसको सरल करोगे तो 3 × 3 = 9 और 1 10/3 लिखोगे, ऐसे ही सॉल्व करोगे। अभी ये छोटा डिजिट है तो ठीक है, ऐसा करना उचित है। अगर आपने इसमें 999 में 6 का गुणा करके 1 जोड़ा, फिर 7 से गुणा करके 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, 5 जोड़ा, और उसके बाद इसको सॉल्व किया, तो ये बहुत बड़ा सा बन जाएगा। तो हम लोग ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। इसको कैसे जोड़ सकते हैं, देखो एक छोटा सा एग्जांपल पहले समझो। जैसे आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 सही 1/2 प्लस 2 सही 1/2, अगर इस दोनों को जोड़ना है तो आप इसको ऐसे भी जोड़ सकते थे, 2 × 2 = 4 = 5/2, और फिर प्लस का निशान लगाया, और फिर कैसे करते, 2 × 2 = 5/2, दोनों हर बराबर, तो एक बार नीचे 2 उतार लोगे और 5 5 कितना हो जाएगा, 10, तो 2 से डिवाइड मार दोगे, 2 × 5 = 10, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5। ये मैंने बेसिक से कर दिया, ठीक है। लेकिन इसी प्रश्न को क्या दूसरी तरीके से नहीं किया जा सकता था, तो किया जा सकता था अगर चाहते तो। देखो 2 × 2 है, तो हम क्या करते, 2 उठा लेते बाहर और किसे गुणा कर लेते, 2 से। अच्छा, मैंने ये दोनों 2 निकाल कर बाहर गुणा नहीं किए हैं, जैसे अभी यहाँ 3 और 3 होता, 3 2 बार होता तो 3 × 2 करते, अभी यहाँ पे 4 यहाँ पे 4 होता ना, तो 4 × 2 करते। हमने ऐसा नहीं किया कि ये दोनों 2 उठा के यहाँ गुणा कर दिया, ये 1 2 इनका संख्या वाला 2 है, और फिर इसके सामने प्लस का निशान लगा के 1/2 और ये प्लस में 1/2, ये दोनों बाहर कर लिए, ठीक है। अब देखो इसको कर दिया 2 × 2 = 4, प्लस का निशान लगाया, इसको ऐड करोगे तो देखो हर बराबर एक बार 2 लिखोगे, फिर ऊपर एक बार 2 हो जाएगा, और 2 से 2 कट जाएगा, आएगा 1, तो 4 में 1 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। देखिए ऐसा भी करने पर आंसर 5 ही आ रहा था, ऐसा भी करने पर आंसर 5 ही आ रहा था, और ये वही चीज़ को ध्यान रखो, ये दोनों 2 नहीं है, हम दोबारा बता रहे हैं इस चीज़ को। अगर मान लो इस जगह पे 2 × 3 होते तो 2 × 3 लिखते, इस जगह पर 4 होता तो हम 2 × 4 लिखते, इस जगह पे दोनों जगह 5 होता तो 5 × 2 लिखते, क्योंकि 5 2 बार आया होता, 4 2 बार आया होता, 3 2 बार आया होता, उसी तरीके से इत्तफाक से 2 बार 2 लिखा है और 2 ही बार है, तो इसलिए 2 × 2 कर दिया। जैसे आपको मैं बड़ा वाला क्वेश्चन लगा के दिखाते हैं, इसी वाले तरीके से इसको लगाएंगे तो बेहतर लग पाएगा ना। देखिएगा जैसे आपके सामने 999 1 2 3 4 5 6 कितनी बार है, 999 6 बार जोड़ना पड़ेगा, तो ऐसा ना कर दे कि 999 को सीधा 6 से गुणा कर ले, तो हमने यहाँ लिख दिया 6 × 999, और फिर प्लस का निशान लगा के क्या लिख दिया, 1/7, ये जो था ना 1/7 ये पहला वाला, फिर ये 2/7, फिर इसके बाद ये 3/7, और फिर इसके आगे वाला क्या 4/7, और फिर ये वाला 5/7, और ये वाला 6/7, ये लिख दिया, सही है। अब क्या करते, देखो हर बराबर है तो एक बार 7 उतार लो और इसको जोड़ लो, 6 4 10 5 15 15 16 17 18 2 20 1 21, तो यहाँ से 21 आ जाएगा, प्लस का निशान लगा लो, इसको गुणा कर लो ना, 6 × 9 कितना 54, और 54 का 4 लिख के कैरी बचा लो 5, फिर कितना 6 × 9 का फिर से 54 और 5 4 9 कैरी आ जाएगा 5,
और फिर 6 9 के कितना 54, 5 4 9 और यहाँ पर 5, 5994 आ जाएगा, 5994। ये गुणा करने पर आ गए, इसको काट दो 7 3 कितना 21, तो 5994 और प्लस में कितना ऐड कर दो 3। अब आप देखेंगे कि अगर हम लोग इसको ऐसे सॉल्व कर दे तो ऐसे होता ही नहीं, पहली बात तो ऐसा करना ही नहीं चाहिए। देखिए हमने आपको एग्जांपल के तौर पे एक छोटा सा एग्जांपल समझा के बताया था पहले, अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आ रहा तो दो बार में समझ लो, नहीं हम दोबारा बता देते हैं। अभी इसको जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 5 9 9 और 4 3 कितना हो जाएगा 7, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 5997। एक चीज़ आप ध्यान से जरा दोबारा फिर समझो, वही एग्जाम्पल हम दोहरा रहे हैं, इत्तेफाक से उसमें दोनों बार 2 लिख दिया था, इस वजह से क्या हो गया था कि आपको ये नहीं पता चल रहा था कि दोनों का 2 का गुणा किया हुआ है कि कामन किया हुआ। तो इसको दोबारा समझो, जैसे मान लो आपके सामने लिखा होता 5 6 1/2 और फिर प्लस में लिखा 5 6 1/2, इन दोनों को अगर जोड़ना होता, हम दोबारा बता रहे हैं इस चीज़ को, अगर आप इसको जोड़ोगे जैसे 5 2 10 11/2 ऐसे होता, अभी प्लस का निशान लगाया, फिर से इसको सॉल्व करते 5 2 10 11/2 हुआ होता, दोनों हर बराबर थे, एक बार 2 लिखते और फिर 11 11 जुड़ के 22 हो जाता और 2 से कैंसिल कर देते तो आंसर कितना आता 11 आता। हमने इसको यहाँ पे सॉल्व किया है, देखो 5 2 10 11/2 5 2 10 11/2 हर बराबर था, तो एक बार 2 उतारा और दोनों को जोड़ लिया 11 11 22, 2 से डिवाइड कर दिया तो 11 आंसर आ गया है। ठीक है, अगर इसी वाले को हम लोग इस तरह कर देते जैसे इसमें कॉमन लेके किए हैं, तो देखो 5 और 5 दो बार जोड़ना है, तो यहाँ पे 2 लिख दिया और यहाँ पर 5 लिख दिया है। इसको दोबारा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इससे पहले यहाँ हमने 2 लिख दिया था, तो 2 वो बार लिखा था तो कन्फ्यूजन हो सकता था कि दोनों 2 का गुणा किया है तो 5 का गुणा कर देते यहाँ पे लाके, तो गलत हो जाता ना फिर। तो यहाँ पे देखो ये 2 इसलिए लिखा क्योंकि 5 दो बार है, तो ये 2 इसलिए लिखा और 5 है तो 5 से गुणा कर लिया है। अब ब्रैकेट में 1/2 प्लस में 1/2 कर लूँ, अभी देखो ये 5 2 कितना हो जाएगा 10 और प्लस में देखो ये 2 हर बराबर, तो एक बार लिखोगे और एक एक जुड़ के 2 हो जाएगा, फिर 2 से काटोगे 1 आ जाएगा और 10 और 1 मिला कितना हो जाएगा फिर से 11 हो जाएगा, तो दोनों तरीके से कितना आ रहा है 11 आ रहा है। इस तरीके को प्रयोग करके हमने इस वाले क्वेश्चन को बहुत छोटे से में कर लिया है। ठीक है, तो इस वाले प्रश्न का आंसर आपने देख ही लिया था कितना आया था, 5997 आएगा। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा नंबर लिखा हुआ 1/20 प्लस 1/30 और प्लस 1/42 और प्लस में 1/56 प्लस में 1/72 प्लस में 1/90 और 1/110 और प्लस में 1/132, इसको जोड़कर बताना है कितना आएगा, ऐड करना है दोनों, है ना। देखो इसको करने का तरीका ये है कि 1/20 में आप 20 को ऐसी 2 संख्याओं में तोड़ो जिसको गुणा करने पर 20 है और घटाने पर अंतर 1 के बराबर हो जाए, उसी तरह 30 को ऐसी 2 संख्याओं में तोड़ो जिसको गुणा करने पर 30 है और अंतर करने पर 1 है, सेम यही चीज 42 के साथ करो, गुणा करने पर 42 है और घटाने पर 1 है, सेम चीज सब पे करना है, मतलब ऐसे 2 नंबर ढूंढो जिनका गुणा करने पर 20 है और घटाने पर 1 है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 4 5 20 लिख दे, तो इसको हम लोग लिख लेते 1/4 × 5 4 5 20। देखो छोटा वाला पहले लिख लोगे तो एक ट्रिक भी काम कर जाती है, इसमें भी बताएंगे इसके आगे, पहले एक बार इसको डिटेल से समझ लो फिर इसको जल्दी से कैसे कर सकते हैं वो भी बता देंगे। तो 1/20 को हम लोग क्या लिख दिया, 1/4 × 5 क्योंकि 4 5 20 ही होता है और 4 और 5 के बीच का अंतर 1 आता है, ऐसा इसलिए कर रहे हैं जिससे कि आगे आसानी से कट जाए। तो आप 20 को ऐसी 2 संख्याओं में तोड़ो जिनका गुणा करने पर 20 है और उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो, 1 हो, सही है। तो हमने 4 × 5 लिख लिया, फिर प्लस का निशान लगाया, कितना लिख देंगे देखो इसको 5 × 6 5 6 30 लिख दिया है क्योंकि इन दोनों के बीच का भी अंतर सेम, फिर इसको लिख देंगे 1/6 7 42 क्योंकि 6 7 42 और 6 7 का अंतर 1, फिर प्लस में इसको लिख देंगे कितना 7 × 8 क्योंकि 8 7 56 होता है, 7 8 56 होता है, दोनों के बीच का अंतर 1। उसके आगे हम लोग लिखेंगे 8 × 9 क्योंकि 8 9 72, फिर प्लस का निशान लगाएंगे 9 × 10 क्योंकि 9 10 90 और दोनों के बीच का अंतर 1। उसी तरीके से आगे करेंगे देखो इसको 10 × 11 क्योंकि 10 × 11 करोगे तो 110 आ जाएगा और दोनों के बीच का अंतर 1 आ जाएगा। प्लस में आगे क्या करेंगे 1/2 में लिख देंगे 11 × 12 दोनों के बीच का अंतर 1 और दोनों को गुणा करने पर 132 आ जाएगा, सही है। एक बार डिटेल से समझ लीजिए, इतना बड़ा लगाना नहीं है, घबराइए नहीं।
तो देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, आप इसको चाहें तो लिख दें 1/4 और माइनस का 1/5। इससे होगा क्या कि आप इसको सरल करोगे तो 5 को देखो 20 और 5 का गुणा ऊपर और 4 का गुणा इधर, तो 5 में से 4 जाएगा, तो फिर से 1/20 ही बन जाएगा आपके सामने, इतना ही बनेगा। और फिर प्लस का निशान ये वाला लगाओ और इसको लिख दो 1/5 और माइनस 1/6। माइनस इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये वैल्यू फिर से बननी भी तो चाहिए, ये है तो वही चीज़, केवल हम इसका रूप चेंज करते हुए जा रहे हैं। 1/30 ये भी लिखा है, 1/30 ये भी लिखा है, 1/30 ये भी लिखा है, क्योंकि इसको सरल करोगे तो 5 × 6 = 30 हो जाएगा, और 5 के गुणा करोगे तो इधर 5 और इधर गुणा करोगे तो 6 इधर करोगे तो 6 हो जाएगा, इधर 5 हो जाएगा, 6 से 5 घटाओगे तो फिर से 1/30 ही प्राप्त होगा। तो ये लिखी हुई वही चीज़ है, प्लस का निशान लगाओगे 1/6 माइनस का 1/7, और फिर इसके बाद प्लस का निशान लगाओगे 1/7 और माइनस 1/8, प्लस का निशान लगाओगे 1/8 और माइनस 1/9, प्लस का फिर से निशान लगाओगे 1/9 और माइनस का 1/10। ये उतारते हुए जा रहे हैं, इसको देखो 1/10 और माइनस का 1/11, इसको लास्ट में लिख दो 1/11 और माइनस का 1/12। देखो इतना बड़ा हमने लिख दिया है, एक बार देखने में बड़ा खतरनाक और भयंकर लग रहा है लेकिन इतना बड़ा होता नहीं है। अभी देखो ये वाला जो माइनस का लिखा हुआ है ना 1/5, ये प्लस का लिखा है 1/5, तो माइनस का 1/5 और प्लस का 1/5 कट जाएगा आपस में। सेम चीज़ माइनस का 1/6 फिर प्लस का 1/6, माइनस का प्लस का, फिर माइनस का 1/8 प्लस का, फिर माइनस का 1/9 फिर प्लस का, फिर माइनस का 1/10 फिर प्लस का, फिर माइनस का 1/11 फिर प्लस का। अभी ये वाला नहीं कटेगा क्योंकि ये माइनस का 1/12 काटने के लिए आगे प्लस वाला होना कंपलसरी है। अब आप देख पाएंगे कि केवल शुरुआत में क्या बचा हुआ है 1/4 और इन दोनों के बीच में माइनस का निशान लगा, कितना लिख दो 1/12, दोनों के एलसीएम ले लो क्योंकि 12 और 4 के एलसीएम 12 ही हो जाएगा, तो यहाँ लिख लो 12 और 4 का टेबल कितनी बार में 12 देगा, तो 3 ऊपर लिख लो और 12 ही करना 12, तो आपके सामने देखो कितना आ जाएगा 2/12। इसको और सरल करो कितना बन जाएगा 1/6, इसका मतलब इस प्रश्न का आंसर कितना आ सकता है, आ नहीं सकता, इतना ही आएगा ही, कितना आएगा 1/6 आएगा। ये इतना बड़ा तुम्हें हम डिटेल से बता दिए, इतना बड़ा आपको करना नहीं है, एक बार समझ लो कि ये चीज़ आती कहाँ से है, हम आपको सीधा यही बताएंगे ये आपको मिलेगा कहाँ से, ठीक है। देखो अगर आप इस 20 को शुरुआत में ही ऐसे तोड़ लिए होते 4×5, अच्छा इसमें भी ध्यान रखिएगा, जैसे 4×5 हमने लिखा है तो आप ऐसे नहीं लिख दीजिएगा 5×4, क्योंकि 5 भी 20 होता है और 4×5 भी 20 होता है, क्योंकि उलटने से उसके मान में कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं गुणा करने पर, इसलिए हमेशा छोटा वाले आगे लिखना और बड़ा वाला पीछे लिखना। जैसे 4×5 = 20 बन गए, इन दोनों के बीच का अंतर 1 आ गया। इसी तरह शुरुआत में देख लो केवल और केवल लास्ट में आके देख लो, जैसे इसको क्या लिख देते हम लोग 11×12, यहाँ भी छोटा वाला आगे बड़ा वाला पीछे, और इधर से छोटा वाला और इधर से बड़ा वाला, बटे में लिख लो सीधा। इसको लिखते तो क्या लिखते 1/4 लिखते और माइनस का निशान लगा के लास्ट वाले का 1/12 लिख देते, और इन दोनों को अभी तुमने क्या यही नहीं सॉल्व किया हुआ था 1/4 और माइनस 1/12 को ही सॉल्व करके तो हम लोग कितना पाए हैं 1/6। तो आपको इस वाले क्वेश्चन को देखने के बाद सिर्फ इतना करना था जितना हमने ये इधर सर्किल में बंद किया हुआ है, ठीक है ना, सिर्फ इतना करना था, इतना करने से आंसर आ जाएगा, लेकिन एक बार पूरा डिटेल में समझ लीजिए कि ऐसा होता कैसे है और एक कैंसिल कैसे हो जाता है, उसके बाद फिर आप ऐसे करते रहिएगा, ठीक है। बाकी इसके आगे का क्वेश्चन देखो, कभी कभी ये नहीं टूटेगा, कुछ अलग दे देगा आगे, फिर इससे आगे वाला टूटेगा, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको बताएंगे अभी हम, यहाँ प्लस की बजाय माइनस आ जाएगा, है ना, ऐसा ही बताएंगे। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए स्पेशली जिसमें सभी सिंबल प्लस के बीच में दिए हों, तो उस कंडीशन के लिए बता रहे हैं कि इतना बड़ा ना लगा के आप सिर्फ इतना याद रखो कि दो ऐसी संख्याओं में तोड़ दो जिनके बीच का अंतर 1 आ जाए और गुणा करने पर 20 आ जाए, तो आप छोटे वाले का 1/4 लिख लो, छोटे वाला यहाँ से आगे वाले से लेना है और पीछे से बड़ा वाला ले लेना 1/12, और दोनों को आपस में क्या करना है, घटाना है। देख पा रहे हो यहाँ सब में प्लस का निशान, लेकिन मैंने यहाँ माइनस का लगाया, अगर जोड़ दिया तब भी गलत हो जाएगा आंसर, तो माइनस का ही लगाना, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो माइनस का बचा था, यहाँ भी माइनस का बचा था, तो घटाना ही पड़ा था लास्ट में। तो इसका आंसर कितना आएगा 1/6 आएगा, आप चाहे इस वाले से समझो चाहे पूरा डिटेल में समझो, ठीक है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा जरा, 1/9 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 का योग ज्ञात करना है।
ये भी जोड़ का सवाल है, जिस तरह हमने दिया था उसी तरह है। इसमें देखिएगा, इस वाले में सबसे पहले लिखा 1/9, फिर प्लस में लिखा 1/6, फिर प्लस में लिखा 1/12, फिर प्लस में लिखा 1/20। अगर आप जैसे हमने इसे पहले वाला करने का सोचा है, आप वैसे ही इसको भी करने को सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, पर थोड़ी सी होशियारी दिखा के। आप देख रहे होंगे इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो डिजिट पहले यहाँ थी 20 था, फिर उससे बड़ा था आगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। इस वाले में गड़बड़ देखो, पहले 9, फिर 9 से छोटा 6 दिया, 6 के बाद 12 दिया है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा तो पक्का है आगे टूटेगा नहीं, क्योंकि 9 को आप ऐसी दो संख्याओं में तोड़ ही नहीं सकते हैं जिनका गुणा करने पर 9 आए और दोनों के बीच का अंतर 1 आए। 3 * 9 हो सकता है, लेकिन इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 नहीं हो सकता है। तो आप इस 6 को अगर देखेंगे, इस वाले 1/9 को आप ऐसे ही लिखा रहने दें, और इस वाले 1/6 को क्या लिख दें, 3 और 2, यानी 2 * 3 लिख दें। तो 3 * 2 = 6 बन जाएगा। फिर प्लस का निशान लगा के इसको कितना लिख दें, 3 * 4 लिख दें। तो 3 * 4 कितना हो जाएगा, 12। आप देख पाए होंगे कि हमने यहाँ से तोड़ना शुरू किया, यहाँ नहीं तोड़ा। अब सोच रहे होंगे कि हम कैसे पहचानेंगे पेपर में कि कहाँ से तोड़ना शुरू करना है, कहाँ नहीं तोड़ना है। देखो, अगर नीचे वाला नंबर जो सबसे पहले वाला है, उसके आगे वाले सारे नंबर उससे बढ़ते हुए क्रम में जा रहे हैं, जैसे देखो 6, 12, 20, 30, 42, 56, 72 बढ़ता हुआ जा रहा है, तो अगर ये वाला इतना चीज ना होता तो ये क्वेश्चन आसान हो जाता। लेकिन 1/9 दे दिया, अब ये टूटेगा ही नहीं तो लोग परेशान हो जाएंगे। तो जो 1/9 है, ये तुमको इसीलिए लिख के दिया गया है कि आप इसको तोड़ ही ना पाओ और इसी में उलझ कर रह जाओ। तो ऐसा जब भी आए क्वेश्चन, पहले डिजिट बढ़ाओ फिर छोटा करके आगे बढ़े, इसका मतलब पहला ऐसे करके आगे शुरुआत के 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, इसमें 1 ही है। तो आप इस वाले को छोड़कर इससे आगे वाले को पूरे को तोड़ लो, अभी 1/9 को लास्ट में सॉल्व कर लेंगे। तो देखो, इसके आगे प्लस का निशान लगाओ और लिखो कितना, 4 * 5, ठीक है। और फिर प्लस का निशान लगा दो, लिख दो, इसको लिख दो 5 * 6, क्योंकि 5 * 6 = 30 हो जाएगा, दोनों के बीच का अंतर 1 हो जाएगा। फिर प्लस का निशान लगाओ, यहाँ हो जाए कितना, 6 * 7 = 42, और दोनों के बीच का अंतर 1। सेम इसके साथ ऐसा हो जाएगा, 7 * लिख दोगे 8 * 7 = 56, और फिर लास्ट में लिख दोगे 1 और बटे में लिख दोगे कितना, 8 * 9 = 72। ये टूट गया पूरा, देखो। अब देखो इसमें क्या करें, इसको ऐसे ही लिखा रहने दो 1/9। इसका भी आसान तरीका हम भी बता देंगे कैसे करना था। इसको लिख दो 1/2, और ये वाला माइनस में लिख दो 1/3, ठीक है, क्योंकि इन दोनों को सॉल्व करोगे तो फिर से रिटर्न आपको 1/6 ही मिलेगा, जैसा कि इससे पहले वाले में बताया हुआ था। अभी प्लस का निशान लगाओगे, इसको लिख दोगे 1 और बटे में लिख दो कितना, देखो, हाँ पहले लिख दो 1/3, फिर माइनस का निशान लगा के लिख दो 1/4, फिर प्लस का निशान लगा के लिख दो 1/4, और माइनस का निशान लगा के लिख दो 1/5, प्लस का निशान लगा के लिख दो 1/5, और माइनस का 1/6, फिर प्लस का निशान लगा के लिख दो 1/6, ये वाला है अभी 1/6, माइनस का 1/7, प्लस का निशान करके लिख दो 1/7, और माइनस का 1/8, फिर प्लस का 1/8, और माइनस का 1/9। इतना बड़ा लगाइएगा नहीं आप, बस केवल एक बार समझ लीजिए, देख तो पहले ले ही, ये भी बेसिक चीज। तो देखो, फिर से वही पुराना वाला क्वेश्चन बनेगा। देखो, ये वाला 1/3 माइनस का, ये प्लस का कटेगा, माइनस प्लस कटेगा, माइनस प्लस कटेगा, ये माइनस प्लस कटेगा, ये माइनस प्लस कटेगा, ये माइनस प्लस कटेगा, लास्ट का 1/9 रह जाएगा। 1/9 रह जाएगा, शुरुआत में देखो क्या रह गया, 1/9 और प्लस में 1/2, और माइनस में कितना, 1/9, ये कहाँ रह गया, वो लास्ट में जो रह गया, इसको लिख लिया। अब देखो, ये प्लस का, ये माइनस का कट जाएगा, तो तुम्हारा आंसर कितना आएगा, 1/2। अब तुम सोच रहे हो क्या इसको इतना बड़ा लगाना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं लगाना पड़ेगा, जैसा हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन को बताया था उस तरह लगाना है, उसी तरह इसको भी लगाइएगा। देखो, ये वाला नहीं टूट रहा, पहले का 1 ना टूटे 2 ना टूटे, जो ना टूटे उसको छोड़ दीजिए। अभी जैसे 1/9 नहीं टूट रहा, इसको आप इसी जगह पर छोड़ दो, आप इस वाले 6 को तोड़ दो। 6 को काय में तोड़े कि गुणा करने पर 6 आ जाए और उसके बीच का अंतर 1 आ जाए, तो क्या लिख दें, इसको 2 * 3 लिख दें, जैसा इससे पहले वाले में बताया था।
तो यहाँ से आप छोटा वाला लिखने के लिए बोला था तो एक बटे दो लिख लेते हैं, तो यहाँ से एक बटे दो लिख लिया, क्योंकि आप सिर्फ क्वेश्चन को इतना सॉल्व करो, इतने से पीछे वाला, इधर वाला, ये वाला सॉल्व करो, उसको भी लास्ट में रख लेंगे। और यहाँ पे आते हैं तो इसको क्या लिखते हैं, आठ गुणे नौ लिखते हैं कि ना लिखते हैं। यहाँ से बड़ा वाला माइनस करने के लिए बोला था तो एक बटे नौ लिखते आप। अभी इतना सॉल्व करोगे तो आपका प्रश्न सिर्फ इतना लग पाएगा, ये शुरुआत में छूटा हुआ है तो इसको भी प्लस में आगे ला के यहाँ लिख लो एक बटे नौ, और वो भी प्लस का। और जैसे इसको लिखोगे फिर से वही हो जाएगा, ये प्लस वाला है माइनस वाले से कट जाएगा, फिर से तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा, एक बटे दो आ जाएगा। तो ये जो ब्रेकेट के अंदर हमने लिखा हुआ है बॉक्स बना के, इसको समझो जरा एक बार ध्यान से, ऐसा कर लिया करेंगे एग्जाम में, इतना बड़ा काटिएगा नहीं, ये डिटेल में एक बार समझा दिए दोनों। देखो ये नहीं टूट रहा था, बाकी क्वेश्चन आगे का वही था, तो जो नहीं टूट रहा था उसको आगे लिख दिया, अगर दो टर्म होते तो आगे दो और टर्म यहाँ लिख के आगे जोड़ लिए होते, फिर कैंसिल होता और उस वाले को जोड़ लिए होते, ठीक है ना। तो इसका प्रश्न इसका आंसर कितना आएगा, एक बटे दो आएगा, चाहे ऐसे करे चाहे ऐसे करे, दोनों से इसका आंसर एक बटे दो ही आने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, यदि 49 का एवा हिस्सा, ये ए है, नाइन नहीं है, नाइन इस तरह लिखा जाता है, इस तरह लिखा नहीं जाता, इस तरह हम लिखते हैं। यदि 49 का एवा हिस्सा सात है, 63 का बीवा हिस्सा नौ है, तथा 112 का सीवा हिस्सा 16 है, तो चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ए बी और सी को सही तरीके से दर्शा सकता है। देखिए जैसे लिखा हुआ था, यदि 49 का एवा हिस्सा का मतलब है कि हिस्सा का मतलब बटे में लिखा जाएगा, यदि 49 का एक बटे ए निकालते हैं तो सात आता है, अगर सात आता है तो इसको अगर सरल करना चाहो तो अगर सात से देखो इसको इधर गुणा कर दोगे तो हो जाएगा कितना, देखो 49 बराबर में 7a, सात से काटोगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सात, यहाँ से a की वैल्यू निकल जाएगी। दोबारा देखो लिखा हुआ 63 का बीवा हिस्सा, तो अगर आप 63 का बीवा हिस्सा निकालोगे एक बटे बी बराबर, वो कह रहे हैं 9 आ रहा है, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा 9b, और 9 से काट दोगे तो फिर कितना b की वैल्यू भी, क्योंकि 9 7 63 होता है, तो फिर कितना आ जाएगा, b की वैल्यू भी 7 आ जाएगी। उसके बाद लिखा 112 का सीवा हिस्सा, 112 का सीवा हिस्सा मतलब एक बटे सी, और बराबर में कह रहे हैं 112 का सीवा हिस्सा 16 है, 16 7 112 फिर से हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि सी की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 7, यानी ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू तीनों बराबर है। अब आप बताओ क्या तीनों ए बी और सी को मिला के एक बटे सात किस तरह बन सकता है, ये तो कभी आंसर इसका हो ही नहीं सकता है। फिर देखो इस वाले में लिखा है ए इंटू बी इंटू सी, इसका मतलब है 7 × 7 × 7, 7 × 7 × 7 अगर लिखोगे तो कितना बन जाएगा, 7 का क्यूब बन जाएगा 343, और वो बता रहे हैं कि 1/49 के बराबर, तो ये भी नहीं इसका आंसर कभी हो सकता है। आगे कह रहे हैं कि अगर a इंटू बी, यानी अगर a और b का गुणा करोगे तो 7 7 49 बन जाएगा, और c की वैल्यू 7, a की वैल्यू 7 रख के काटोगे तो ये भी नहीं इक्वल बराबर कर पाएगा, तो ये वाला भी इसका आंसर गलत है। अब देखो अगर आप यहाँ पे a इंटू बी इंटू सी लिखते हो, यानी 7 × 7 × 7, क्योंकि a b और c तीनों की वैल्यू 7 7 ही है, तो यहाँ बन जाएगा आराम से 343, और फिर कह रहे हैं a का क्यूब कर दो, a की वैल्यू भी 7 है, तो a का क्यूब कर दोगे तो फिर भी कितना हो जाएगा, 343 हो जाएगा, तो ये वाला प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि 7 का 3 बार गुणा या 7 का क्यूब दोनों सेम चीज़ है। तो ए बी और सी के बीच में कौन सा रिलेशन सही बनेगा, बी नंबर ऑप्शन सही बनेगा, पहला तीसरा और चौथा गलत होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए लिखा हुआ, यदि किसी संख्या के 2/3 भाग का मूल्य 2200 रुपये है, तो उसके 3/11 भाग का मूल्य क्या होगा, ये क्या है। देखिए कोई मूल्य किसी सामान का जो मूल्य है उसका 3/ उसका मूल्य कितना था नहीं पता, अगर आप इसका मूल्य पहले x मान लें कि इसका मूल्य x रहा होगा, तो देखिए उसके मूल्य का 2/3 भाग जो इसका मूल्य रहा होगा उसका जब भी 2/3 भाग निकालते हैं तो कितना आ रहा है, 2200 आ रहा है। तो आप यहाँ से पहले उस संख्या का मूल्य निकाल दें, इसको यहाँ 2 से काट देंगे कितना हो जाएगा, 1100 हो जाएगा, 3 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3300,
इसका मतलब है उस संख्या का यानी उस समान का मूल्य कितना रहा होगा, 300। और कह रहे हैं कि उसका 3/11 बताइए। 3/11 भाग बताने का मतलब है इसका मूल्य है कितना, 3300 रुपये। और इसका निकालना है 3/11, तो 3/11 निकालोगे, 11 से 11 कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 100, और 3 से गुणा कर दोगे कितना आ जाएगा, 900। तो इस प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा, 900। या तो आप इसको ऐसे लगाओ, पहले मूल्य एक मानो, उसका 2/3 निकाल के 2200 लिखो, क्योंकि 2/3 भाग का मूल्य 2200 रुपये है। और फिर इसकी वैल्यू निकालोगे तो उसका एग्जैक्ट मूल्य पता चलेगा, फिर उसका जितना भी पूछे 3/11, 2/11, 4/11 जो भी पूछे वो निकाल दो 3/11। या तो इसको ऐसे लगाओ, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, किसी समान का कितना भाग, 2/3 भाग, जो 2/3 की वैल्यू है वो कितने के बराबर है, 2200 के बराबर। तो जब 2/3 की वैल्यू 2200 है तो आपको बताना 3/11 की वैल्यू। तो 3/11 की वैल्यू कैसे निकालोगे, 2200 लिखो पहले और इसको भाग कर दो कितने से, 2/3 से, तो 2 नीचे लिखो और पलट के 3 ऊपर लिख दो, और गुणा कितने से कर दो, 3/11 से। इससे होगा क्या कि 11 से कट जाएगा, 11 दूना 22, और 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 100 / 300, और 100 को 3 से गुणा करो कितना आ जाएगा, 900। तो इस प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा, 900। आप ऐसे भी इसको कर सकते थे, दोनों में से जो आपको सही लगे आप वो वाला भी कर सकते थे, दोनों में से दोनों तरीके अच्छे हैं, ठीक है। ऊपर वाला एक्स मान के लगाए हो, बाकी बटे की वैल्यू से लगा दिए। अगला प्रश्न देखो, आपके सामने लिखा हुआ है, किसी छात्र को किसी संख्या का 1/15 करने को कहा गया, परंतु उसने 1/3 कर दिया, जिससे उसका उत्तर पहले की तुलना में 16 अधिक आया है, तो संख्या क्या थी, संख्या ज्ञात करनी है आपको। ये कोई संख्या रही होगी, उससे कहा गया कि जाइए उसको गुणा कर दीजिए 1/15 से। 1/15 से गुणा करने की बजाय वो पहुंचे तो गुणा कर दिया 1/3 से। अच्छा, 1/15 से गुणा करने को कहा गया और तुमने 1/3 से कर दिया, तो इसका मतलब उत्तर तो गलत आएगा ही आएगा, लेकिन उस गलती में भी कंडीशन बताई गई कि गलत होने के बाद तय हुआ जो पहले उत्तर उसका आना था उसकी तुलना में कितना अधिक आ गया, 16 ज्यादा आ गया। तो कोई भी चीज ज्यादा हो जाए कम हो जाए ये हमेशा किसके बराबर होता है, अंतर के बराबर होता है। तो आप इन दोनों के बीच के अंतर को लिख लो, यहां अंतर लिखो, या कोई संख्या x भी मान सकते हो अगर मानना चाहो तो। ऐसा करते हैं, संख्या को x मान देते हैं, जिस संख्या से गुणा करने को बोला गया था वो संख्या x रही होगी मान लो। तो अगर x से गए, उनसे कहा गया था जाओ x को गुणा कर दो कितने से, 1/15 से, तो 1/15 से गुणा कर देते तो उत्तर आ जाता। पहुंचे वो x को गुणा कर दिए पहुंचने के बाद 1/3 से, ये जो 1/3 है गुणा किए थे इसकी तुलना में ये वाला ज्यादा आ गया है, तो पक्का है कि बड़ा ये वाला है। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितने के बराबर है, 16 के बराबर है। अभी अगर कम आया होता ना तो इस वाले को इधर लिख लेते, बस इतना ही फर्क है, क्योंकि देखो लिख रहे हैं इसका जो उत्तर आया पहले की तुलना में 16 ज्यादा आया है, तो ये वाला बड़ी वैल्यू है, तो बड़ी से ये वाली घटाने के बाद 16 आ जाएगा। इसको आगे लिखोगे, देखो एक्स बटे 15 लिख लो और माइनस में एक्स बटे 3 लिख लो, दोनों बराबर में कितना आ रहा है, 16। एक्स की वैल्यू निकाल दोगे, पता चल जाएगा किस संख्या से गुणा कर, किस संख्या में गुणा करने को कहा गया था। दोनों के एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा, 15 ही आ जाएगा। तो 15 × 9 कितना होगा, 15। इधर भी लिख देते, इधर भी लिख देते, बात दोनों एक ही थी। तो देखो यहाँ x हो जाएगा और माइनस का निशान लगाते तो 3 × 5 = 15, तो यहाँ कितना हो जाता, 5x। 5x से x अंतर पूछे तो आपस में घटा लो, माइनस में नहीं ले जाना है, बराबर का 16। दोनों घटा दोगे कितना आ जाएगा, 4। इधर लिखे दे रहे हैं, देखो 16 बराबर में ऊपर आ जाएगा 4x, बटे में नीचे 15। 4 से काट दोगे, 4 × 16, तो 15 × 60, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी, 60। इसका मतलब वो संख्या 60 रही होगी जिसमें उसको गुणा करने के लिए कहा गया था कि 1/15 से गुणा करो, लेकिन वो पहुंचते पहुंचते वहां भूल गया होगा, उसने गुणा कर दिया 1/3 से, जिसकी वजह से हुआ क्या कि उसका उत्तर पहले की तुलना में 16 ज़्यादा आने लगा, तो वो संख्या क्या रही होगी, वो संख्या 60 रही होगी, जिसका उत्तर कितना आ जाएगा, 60। इस वाले का उत्तर कितना आ रहा था, 900। सही, देखिएगा अगला प्रश्न लिखा हुआ है आपके सामने, एक पार्टी में 120 सदस्य हैं, इनमें 2/3 पुरुष
वह शेष महिलाएं हैं 12 महिला सदस्यों के सिवाय सभी सदस्य विवाहित हैं। इस पार्टी में कितनी विवाहित महिला सदस्य हैं? पहले तो एक पार्टी में 120 सदस्य, उसमें से 2/3 पुरुष हैं, तो पहले तो पुरुष की संख्या निकल जाएगी, मेल की संख्या निकल जाएगी। 120 में से 2/3 है वो पुरुष हैं, क्योंकि यही तो लिखा, एक पार्टी में 120 सदस्य हैं, इनमें 2/3 पुरुष व शेष महिलाएं हैं। तो अगर आप 120 का 2/3 निकालोगे तो पुरुषों की संख्या पता चलेगी। 3 से काटोगे, 3 × 12 और 40 गुना कितना हो जाएगा, 80। ये 80 पुरुष हैं। अगर आपको महिलाओं की संख्या जाननी है तो टोटल 120 आदमी पार्टी में आए हुए हैं, उसमें से 80 मेल हैं, पुरुष है मतलब 80। अगर 120 में से 80 पुरुष हैं तो अगर हम 120 से ये 80 घटा दें तो आपके सामने क्या है, 40 फीमेल की संख्या नहीं आ जाएगी, 40 महिला सदस्यों की संख्या। तो ये 40 महिला सदस्य हैं। हमने 120 का 2/3 किया तो 80 आया है पुरुष सदस्यों की संख्या। महिला सदस्यों की संख्या जानने के लिए पार्टी में कुल सदस्यों की संख्या से पुरुष सदस्यों की संख्या को घटाएंगे तो महिला सदस्यों की संख्या 40 आ गई है। और बोला गया है कि 12 महिलाओं सदस्यों के सिवाय सभी सदस्य विवाहित हैं। इसका मतलब है कि 12 ऐसी महिलाएं हैं जो विवाहित नहीं है, बाकी विवाहित है। तो आपको बताना विवाहित वाली कितनी है, तो 40 में से 12 की शादी नहीं हुई अभी, तो 40 में से 12 घटा देंगे तो ये जो 12 हैं ये मैरिड हैं, इनकी शादी हो गई है। हमसे पूछा गया है कितनी महिला विवाहित महिला सदस्य हैं, कितनी की शादी हो गई, अच्छा इनके सिवा मतलब इनकी नहीं हुई है, 12 की शादी अभी नहीं हुई क्योंकि लिखा है 12 महिला सदस्यों के सिवाय, मतलब इन 12 को छोड़कर बाकी विवाहित हैं, सभी सदस्य विवाहित हैं। तो पार्टी में कितनी विवाहित महिला सदस्य हैं, तो 40 में से भी 12 की शादी नहीं हुई तो घटा लो कितना बचेगा, 28 की शादी हो गई। हम तो यही पूछा गया था कि पार्टी में कितनी विवाहित महिला सदस्य हैं, तो पार्टी में कितनी महिलाएं ऐसी हैं जिनकी शादी हो चुकी है, तो कितनी की हो गई है, 28 महिला सदस्यों की शादी हो चुकी है। तो प्रश्न का उत्तर कितना आ जाएगा, 28। इस वाले को देखो, लिखा हुआ है एक कक्षा में 15 लड़के हैं जो 158 सेंटीमीटर से अधिक लंबे हैं, यदि कुल लड़कों का 3/4 निश्चित करते हैं, ये 3/4 या 3/4 है, 3/4 निश्चित करते हैं, तथा कक्षा में लड़कों की कुल संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या की 2/3 हो तो कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी है। देखो, जो कक्षा में 15 लड़के हैं जो 158 सेंटीमीटर से अधिक लंबे हैं, 158 किसी काम का नहीं, अधिक लंबे हैं और कुल लड़कों का 3/4 है, इसका मतलब है अगर पूरी क्लास में कितने बच्चे, अगर हम लोग x मान लें, अगर पूरी क्लास में बच्चों की संख्या x मान लोगे तो कह रहे हैं उसका जो 3/4 है, इस x का जब 3/4 निकालते हैं तो कितना आता है, 15 आता है। इन लड़कों की संख्या x है, एक कक्षा में 15 लड़के हैं जो 158 सेंटीमीटर से अधिक लंबे हैं, ये कुल लड़कों का 3/4 है, ऐसा लड़कों की संख्या x मानो, लड़कों की संख्या x मान लो, तो लड़कों की संख्या का जब 3/4 कर रहे हैं तो 15 आ रहा, तो इसको 3 से काट दो, 3 × 5 = 15, 5 × 20, इसका मतलब है ये जो 20 आएगा x की वैल्यू, इसका मतलब है स्कूल में 20 लड़के हैं, 3/4 निश्चित करते हैं। इसके बाद देखो लिखा, तथा कक्षा में लड़कों की कुल संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या का 2/3, इसका मतलब ये 2/3 की वैल्यू कितनी है, 20 है, तो 2/3 की वैल्यू अगर आपके सामने 20 पता है तो अगर पूरे की वैल्यू जानना चाहते हो तो इसको पलट दो, कितना लिख दो, 3/2 लिख दो, इससे ये पता चल जाएगा कि टोटल क्लास में कितने बच्चे हैं, 2 से काट दोगे तो कितना हो जाएगा, 30। अब देखो ध्यान से, ये क्लास में टोटल विद्यार्थियों की संख्या स्टूडेंट टोटल 30 है, 30 में से 20 लड़के हैं,
और पूछ रहे हैं कि आपको बताना कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी है। क्लास में लड़कों की संख्या 20 है और पूरी क्लास में विद्यार्थियों की संख्या 30 है। अगर पूरी क्लास में विद्यार्थियों की संख्या में से आप केवल लड़कों की संख्या घटा दोगे तो अगर इस 30 में से ये वाला 20 घटा दिया जाए तो क्या लड़कियों की संख्या नहीं निकल जाएगी? टोटल क्लास में 30 विद्यार्थी जिसमें से 20 लड़के हैं, तो घटाने के बाद जो बचेगा वो 10 बचेगा। इसका मतलब है क्लास में लड़कियों की संख्या कितनी है? 10 है। ठीक है, इसमें 10। अगला प्रश्न देखिएगा। एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर 3/5 से गुणा कर दिया तो उसके गलती का प्रतिशत बताओ या उसके परिकलना में त्रुटि का प्रतिशत बताओ। परिकलन में त्रुटि का प्रतिशत बताओ। देखो, इसमें गलती का प्रतिशत बताना है। इस तरह का हमने एक क्वेश्चन भी बताया था जिसमें गलती करने की वजह से उसके उत्तर में 16 का डिफरेंस पड़ रहा था। इससे पहले एक प्रश्न बताया हुआ था जिसमें 16 का डिफरेंस आ रहा था। ये क्वेश्चन वही है, बस उसमें डिफरेंस 16 का आ रहा था तो संख्या पूछ ली गई थी, इसमें परसेंटेज में पूछ लिया गया। देखो, एक कोई संख्या रहेगी उसको 5/3 से गुणा करने के लिए कहा गया था कि 5/3 से गुणा करो, ये पहुंचो तो एक अधीन पलट 3/5 से कर दीन। तो आपको बताना उसके त्रुटि का प्रतिशत यानी गलती का प्रतिशत कितना हुआ। संख्या क्या रही होगी ये किसी को नहीं पता है। अगर आप संख्या को एक समान के लगाओगे तो आंसर आएगा लेकिन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। और परसेंटेज में संख्या कुछ भी मानो, आंसर के मान में कोई परिवर्तन होता नहीं क्योंकि कंपेरिजन करना है। तो देखो, कोई ऐसी संख्या रही जिसको 5/3 की बजाय 3/5 से गुणा किया गया तो एक संख्या ऐसी ढूंढो जो 3 से भी कटे और 5 से भी कटे, तो 5 से 15 कट जाएगा। 15 भी ले सकते हो, 30 भी ले सकते हो, 60 भी ले सकते हो, जो कट जाए दोनों से। तो हम संख्या मान ली है 15। अगर संख्या 15 रही होती उसको 5/3 से गुणा किए होते तो 3 × 15 और 5 × 25 आंसर इनका आ रहा होता। लेकिन हुआ क्या कि ये यही संख्या 15 का गुणा कर दी 3/5 से, तो 5 × 15 तो इनका आंसर कितना आएगा? 9 आएगा। मतलब उनका सही उत्तर कितना आवेक चाहत रहा? 25 आवेक चाहत रहा, और उनका गलत उत्तर आएगा कितना? 9। तो इनके गलती कितनी हो गई? देखो, 25 की बजाय ये 9 उत्तर बताएं तो इनके गलती का प्रतिशत कितना हो जाए? 5 घटा लो 4 घटा लो कितना बच जाए? 16। कितना काम आएगा? बस 16, मतलब 25 की बजाय 9 आ गए। अगर तुम सोच रहे हो कि 15 हम नहीं लेंगे, हम 30 लेंगे, तो तुम कुछ ले लियो जो उन 3 और 5 से कट जाए, ना भी कटेगा, दशमलव में जाएगा, तब भी आंसर के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तुम 100 भी मान सकते थे। हमने तो इसलिए 15 मान लिया क्योंकि 3 और 5 से 15 आसानी से कट जाएगा, 3 और 5 के एलसीएम मान लिया था। तो 25 उत्तर आने की बजाय 9 आ गए, तो उनकी गलती कितने की हो गई? 16 की हो गई है। और सही उत्तर हमेशा नीचे लिखो, परसेंटेज में इनके गलती का प्रतिशत पकड़ जाएगा। 16 इनका उत्तर कम आया, कितने की तुलना में? 25 की तुलना में। गुणे में 100 कर दो, 25 × 100 = 16 × 64, इनके गलती का जो प्रतिशत है वो कितना परसेंट है? इन्होंने अपने उत्तर में 64% की गलती की है। इसमें प्रतिशत पे पूछा था, इस वजह से हमने इसको दोबारा बता दिया। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, ये आज का लास्ट है इस वीडियो का, इसको ध्यान से समझो। लिखा हुआ 1980 ए बी सी में बांटे गए हैं, ए का आधा भाग, बी का 1/3 भाग, सी का 1/6 भाग, सम यानी बराबर है, तब सी का हिस्सा कितना है? देखो, ए का आधा भाग, तो आधा भाग का मतलब 1/2, और बी का 1/3 का मतलब 1/3, और सी का 1/6 भाग 1/6। ये तीनों आपस में क्या है? तीनों बराबर है। ए का आधा भाग, बी का 1/3 भाग, सी का 1/6 भाग आपस में बराबर हैं। तो आप यहां से ए अनुपात, बी अनुपात, सी की वैल्यू निकाल दो। जब भी ये सब बटे में लिखे और बीच में बराबर का निशान हो तो ए बी सी की वैल्यू जानने के लिए इसको उठा के पलट दो। 2/1 लिख दो, फिर अनुपात 3/1 लिख दो, फिर अनुपात 1/6 लिख दो, सॉरी 6/1 लिख दो। अब सब में नीचे एक एलसीएम एक ही आएगा तो कट जाएगा। तो ए अनुपात, बी अनुपात, सी की वैल्यू आपके सामने 2:3:6 आ जाएगी। ये आ जाएगा ए बी और सी का रेशियो। टोटल हिस्सा कितना है? देखो, 1980। तो इसमें से बी का हिस्सा निकालना है, तो हम लोग क्या निकालेंगे? बी का हिस्सा निकाल देंगे। देखो, बी का हिस्सा कैसे निकलेगा? टोटल अमाउंट नीचे लिखो 1980, बी का हिस्सा जानना है तो बी का रेशियो ऊपर लिख लो और इन सबको जोड़कर नीचे लिख लो, क्योंकि ये टोटल अमाउंट है 1980। 6 × 4 = 10, 11,
नीचे 11 हो जाएगा, क्योंकि 6, 7, 8, 9, 2, 11 11 से इसको काट दोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 11 1 9 11 और 11 8 88 हो जाएगा 180 और 18 3 54। इसका मतलब बी का हिस्सा कितने रुपए आएगा, 540 रुपए आएगा। और इसका उत्तर कितना आएगा, इनकी गलती का जो प्रतिशत है 64% आएगा। ठीक है, दूसरे वाले पार्ट में हमने आपको सेक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ठीक ठाक थे, जो एग्जाम में आने की संभावना थी, वो हमने आपको बता दिए। इसके आगे जो भी क्वेश्चन होंगे उनको हम देखकर बताएंगे आपको, और या फिर इससे आगे जो चैप्टर होगा उसको पढ़ाएंगे। फिर आज के लिए इतना इस वीडियो में रखते हैं, बाकी अगले वीडियो में बताएंगे। हो सकता है इसके अगर कुछ क्वेश्चन और रह गए होंगे उनको देखकर हम, हो सकता है कि तीसरा वीडियो बना दें इसी का, फ्रैक्शन का पार्ट थर्ड। ये अगर इसके क्वेश्चन हो गए होंगे तो इससे आगे वाला चैप्टर पढ़ाएंगे। फिलहाल आज वाले वीडियो के लिए इतना रखते हैं, बाकी अगले दिन। थैंक यू।